नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिलजीत दोसांझ की फिल्म अर्जुन पटियाला के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवं बजट के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार कर लिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, अर्जुन पटियाला फिल्म जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित जुगराज ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है दिनेश विजान। अगर बात करें फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आ रहे हैं पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ और उनके साथ में है कृति सेनन और वरुण शर्मा। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म का बजट है लगभग 20 करोड़ रुपए का। वही इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 1200 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। दोस्तों, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही पहले दिन ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में जजमेंटल है क्या की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक ठीक ठाक तरीके का कलेक्शन करने में कामयाब हो रही है। क्योंकि दोस्तों, फिल्म को पंजाब और दिल्ली NCR की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और ये फिल्म दिल्ली और पंजाब में हाउसफुल चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिलजीत का जो फैन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है दिल्ली NCR और पंजाब में, जिसकी वजह से दोस्तों अर्जुन पटियाला फिल्म ऑल ओवर इंडिया के मुकाबले पंजाब में सबसे ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। अगर दोस्तों बात करें फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में ऑल ओवर इंडिया से लगभग 30 से 35% की ऑक्यूपेंसी मिली है। वही आफ्टरनून और इवनिंग में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग ठीक ठाक है। अगर बात करें नाइट वाले शोज की, तो दोस्तों फिल्म को नाइट वाले शोज में लगभग 75% की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है, जो कि काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों, जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक अर्जुन पटियाला फिल्म अपने पहले दिन ऑल ओवर इंडिया में कलेक्शन कर रही है लगभग 7 करोड़ रुपये का ग्रोस, जिसका नेट कलेक्शन हो जाएगा लगभग 4 करोड़ 50 लाख का। अब दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म का बजट जहां 20 करोड़ रुपए है, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कमाई करनी होगी 35 करोड़ की। वही सुपर हिट होने के लिए फिल्म को कमाने होंगे 60 करोड़ और अगर फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो फिल्म को कमाना पड़ेंगे 100 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, जिस तरह से फिल्म के रिव्यूज़ आए हैं वो काफ़ी मिक्स है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म को किसी ने काफ़ी बढ़िया कहा है तो किसी ने कहा कि ठीक ठाक है। मतलब फिल्म को जो रिव्यूज़ आए हैं वो पूरी तरह से मिक्स है। हालांकि फिल्म को बुरी किसी ने नहीं कहा, कोई ठीक ठाक कह रहा है तो कोई बहुत अच्छी कह रहा है, लेकिन दोस्तों फिर भी इतने रिव्यू काफ़ी है फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए। तो दोस्तों, जो रिव्यूज़ पर नज़र डालें हम, तो रिव्यू के हिसाब से फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो कर रही है, लेकिन फिल्म के जो वीकेंड कलेक्शन है वो भी एक जंप मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि अर्जुन पटियाला के साथ में कई फिल्में और भी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, जैसे हो गई ऋतिक रोशन की सुपर 30, कंगना रनौत की ये जजमेंटल है क्या, इसके अलावा दोस्तों कबीर सिंह भी अभी बॉक्स ऑफिस पर चल ही रही है, जिसकी वजह से दोस्तों लगता है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो शायद 30 से 40 करोड़ के बीच में जा सकता है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ कमा के हिट होती है या फिर 60 या 100 करोड़ कमा के सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होती है। वैसे दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देख के आए तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड और साउथ की डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।